हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, और वो ये है कि दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। आपका एग्ज़ाम जो 13 मार्च को होना है, उसके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। और अभी अभी राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन डाला है, और उसमें लिंक है, उसमें जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। सभी लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और देख लें कि आपका सेंटर कहाँ आया है। एक चीज़ और बताऊंगी कि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा क्या? एलडीसी का एग्ज़ाम जो 13 मार्च को होना है, वो ऑनलाइन होगा या नहीं होगा? एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, और ओएमआर शीट पर आपको अपने आंसर्स जो हैं वो फिल करने होंगे। अब उसमें ऊपर ही ऊपर दिया है कि आपको एग्ज़ाम जब आप देने आओगे, तब आपको लेकर क्या क्या आना है। उसमें आपको एडमिट कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड है वो लाओगे, एक अपनी रिसेंट की फ़ोटो लाओगे, एक ब्लू या ब्लैक पेन लाओगे, और एक अपना फ़ोटो वाला आईडी कार्ड। ये चार चीज़ें आपको लेकर आनी हैं। क्या क्या? एक तो एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो वाला आईडी कार्ड, आधार कार्ड या डीएल या फिर पेन कार्ड, कोई भी हो सकता है, फ़ोटो वाला आईडी कार्ड, एक नीला या फिर काला पेन लाना है, और एक रीसेंट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर आना है। आप लोग अभी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की साइट पर जाकर सारे जो डायरेक्शन है वो भी पढ़ लें, और अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लें, और देख लें कि आपका सेंटर कौन सी जगह है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। आई विश कि आप सबका, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम एकदम अच्छा हो, रिटर्न में वो बहुत ज़्यादा नंबर खींचें। यही मेरी दुआएं हैं आप सब के लिए। और ये जो जोश है, वो जुनून है, वो आपको जब तक आपका रिजल्ट ना आए और आपका सिलेक्शन ना हो, तब तक इस जोश और जुनून को थोड़ा सा भी डाउन नहीं आने देना है। ऐसे ही जोश और जुनून रखना है, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और देख लें कि कौन सी जगह आपका सेंटर है। उसमें जो भी डायरेक्शन दिए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लें। उसमें जो भी डायरेक्शन है वो अच्छे से पढ़ लें। मैंने आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी आप एक एक बार सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग एडमिट कार्ड निकालें और देख लें अपना सेंटर कहाँ है। विश यू ऑल द वेरी लक टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। बाय बाय।